उदयपुर अपडेट्स की टीम आ चुकी है आज नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल में। आप सभी का द उदयपुर अपडेट्स की टीम और पूरे नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल की तरफ से स्वागत कर रही हूँ। एंकर दिव्या हियर फ्रॉम द उदयपुर अपडेट्स टीम। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको आज विजिट कराने लाई हूँ जो लॉन्च हो चुका है, ड्रैगन द पायरेट आइलैंड। मेरे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत सा आइलैंड जो नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल ने उदयपुर राइड्स और उदयपुर के सभी टूरिस्ट को दिया है। सो क्या है, आप देख रहे हैं खूबसूरत सा ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड। सो क्या है इसके अंदर खास, मैं आपको लिए चलती हूँ ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड। लेट्स हैव अ लुक गाइस। सो गाइस, जैसा कि हमारे चैनल का ही नाम है द उदयपुर अपडेट्स, और उदयपुर अपडेट्स आपको हमेशा अपडेट करता रहता है न्यू थिंग्स अबाउट द उदयपुर। सो क्या नया उदयपुर में आया है, आज वो उदयपुर अपडेट्स आपको रूबरू करवा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी खड़े हैं नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल में, और यहाँ ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड है। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर समुन्द्र के बीच में जो पहाड़ और टापू होते हैं उन पर होने वाली कुछ जानवरों की एक्टिविटी बताइए। बट अभी ड्रैगन्स तो अभी के जमाने में नहीं है, लेकिन पहले कैसे हुआ करते थे पायरेट आइलैंड पे, वो यहाँ पर नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल ने एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन और डेमोन्स्ट्रेशन से यहाँ लोगों को एंजॉय करवाने की कोशिश की है। सो आप देख रहे हैं द बिग ड्रैगन, इट्स अ ब्लैक कलर ड्रैगन। किसी ने अगर जोरासिक पार्क देखा होगा मूवी, तो उसमें आपने सारे डायनासोर्स देखे, उनकी एक्टिविटीज देखी है, बट दिस इज द फिल्म, और फिल्म में पूरा ड्रैगन्स का क्या रोल होता है वो आपने समझा ही होगा। लेकिन जिसने जोरासिक पार्क नहीं देखा वो द उदयपुर अपडेट जरूर देखें, और यहाँ नेक्स्ट सेलिब्रेशन मॉल का सीधा आप पूरा व्लॉग देखें। दिस इज द बिग ड्रैगन, एंड नाउ अब मैं इस आइलैंड पायरेट आइलैंड की सेकंड थिंग बता रही हूँ, दिस इज द वॉल्केनो। आइलैंड पे समुन्दर होता है, नीचे टापू होते हैं, कुछ टापू पे पेड़ पौधे होते हैं, तो कुछ पर वॉल्केनो होते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है ज्वालामुखी। और यहाँ आप देख रहे हैं पहाड़ी पर एक ज्वालामुखी है, और वहां पर कैसे जीव जंतु उसको हैंडल करें, यानी ड्रैगन ज्वालामुखी के पास भी रह सकते हैं। सो गाइस, ये वॉल्केनो ये बता रहा है कि जो डायनासोर का जमाना था, जब मनुष्य जीवन नहीं था और डायनासोर इस धरती पर थे, तब वो ज्वालामुखी की हीट को भी सहन करने की क्षमता उनकी चमड़ी में थी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में था। तो आप देखिए वॉल्केनो के पास भी अलग अलग टाइप के ड्रैगन्स रहते थे, समुन्दर यानी पानी के अलग ड्रैगन्स होते थे, हवा में उड़ने वाले अलग ड्रैगन्स होते थे, ये सभी आपने जुरासिक पार्क में देखा है, और ये एक काइंड ऑफ मूवी बताया गया है। सो आप जरूर आइए, जल्दी आइए सेलिब्रेशन मॉल में विजिट करने। चलते हैं इनसाइड द दिस पायरेट आइलैंड, सो कम विद मी। सो दोस्तों, अभी हम इनसाइड आ चुके हैं ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड के, और उस आइलैंड में जो सी है यानी समुद्र है उसके अंदर एक शिप बताया हुआ है, जैसा कि मूवीज में आपने देखा है डायनासोर्स की, उसमें एक शिप है जो डायनासोर के आइलैंड्स में जाता था, उनके ऊपर रिसर्च करता था, उनके क्या सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, कैसा उनका जेनेटिक वर्क है, उस पर ये जो शिप वर्क करता था। तो ये मिलिट्री शिप बताया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आप मिलिट्री की तोप्स देख रहे हैं। फिलहाल ये एक फन शिप हो चुका है, बिकॉज दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन डमी है ये, और यहाँ लोग फन कर रहे हैं सेलिब्रेशन मॉल में। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, सो पूरा बिना किसी पैसे के आप फ्री इंजॉय कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस शिप के अंदर नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल ने घूमने का गेम जोन बनाया है शिप के अंदर, तो इट्स अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। आप देखिए बच्चे खेल रहे हैं थ्रो द बॉल, जहाँ बच्चे बॉल उस वॉल के जो एक छोटा सा हॉल है यानी दीवार के अंदर एक छेद है उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस गेम का नेम है थ्रो द बॉल, यानी फेंको बॉल और हॉल के अंदर जाना चाहिए, वो विनर होगा। सेकंड आप उधर गेम देख रहे हैं, सेम थ्रो द बॉल है, जो चूड़िया बनी हुई उनके अंदर बॉल जानी चाहिए। इधर कुछ परिवार है जो यहाँ घूमने आए हैं। नमस्ते, कहाँ से आए आप? सेमा, गुजरात से।
अच्छा यहीं से राजस्थान से, तो आपका स्वागत है द उदयपुर अपडेट्स में और नेक्सस सेलिब्रेशन हॉल में। सबसे पहले तो बताओ ये कंसेप्ट है ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बच्चों को कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताए मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपने टीवी में देखा है ड्रैगन्स को, जुरासिक पार्क में देखा है डायनासोर को, और वो फीलिंग आ रही है एक डेमोंस्ट्रेशन में आकर और इस तरह के गेम्स होने। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर आपको कैसा लगा? अच्छा हम बात करेंगे कुछ खेलने वाले बच्चों से। हाय किड्स, हाय, से हाय टू ऑल पीपल, से हाय। हाय हाय, थोड़ा लाउडली बोलो, से हाय। हाय। ओके व्हाट्स योर नेम? नीव। नीव, ये क्या गेम खेल रहे हो? इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा दिस गेम इज थ्रो द रिंग। आप देख रहे हैं यहाँ गेम जोन में रिंग लगानी है, बट डिस्टेंस से लगानी होगी, दूर से। सो आप कर पा रहे हो? व्हाट्स योर नेम? शगुन। शगुन कैसा लगा ये गेम जोन? अच्छा है। थैंक्स टू नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल फॉर गिव अस दिस वंडरफुल गेम्स। क्या बात है, थैंक यू। सो द उदयपुर अपडेट्स की टीम ने आपको कुछ बच्चों से रूबरू करवाया। अभी हम कुछ यंग, डबल यंग यानी कि मैं कहूंगी जिनकी एज इज ओनली नंबर। सो गाइस हम सर से भी पूछते हैं। सर आप कटा रहो? सेमा रहो। सेमा उदयपुर रे पास ही से। ओके सो बच्चा रे ला रहे हो, कसो लाग रहे हो आप? अच्छा लग रहा हूं। बढ़िया लग रहे हो। देखिए जिंदगी में कोई भी उम्र हो आप खेलते रहो, मजे करते रहो, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। मैम कैसा लग रहा है आप? थैंक यू। देख रहे हैं ड्रैगन एट द पायरेट आइलैंड इनसाइड। ये फ्लाई करने वाला ड्रैगन है जो उड़ रहा है ऐसा बताया गया है, क्योंकि ड्रैगन चार पांच तरीके होते हैं, वाटर में, पानी में तैरने वाले, उड़ने वाले, जो टापू पे चलने वाले। सो फुल ऑन ड्रैगन का ये पूरा पायरेट आइलैंड है। आप देख रहे हैं समुन्द्र और वॉल्केनो, ब्यूटिफुली इसको डेमोन्स्ट्रेशन यानी डेकोरेशन और डिजाइन दिया हुआ है। सो थैंक यू नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल for give us a wonderful this gorgeous dragon at the pirate island for Udaipur rides and out of Udaipur rides. So all tourism, all Udaipur rides, come together, join this beautiful dragon at the pirate, and thank you for watching us. Thank you. स्टोरीज से आपको रूबरू करवाएगा द उदयपुर अपडेट्स। देखते रहिए उदयपुर अपडेट्स।